आपकी जो पार्टी है वही तो अच्छे दिनों के सपने लोगों को उन्होंने दिखाए थे, तो इन अच्छे दिनों में हैंडपंप तक रिपेयर नहीं हो रहा है। इसमें पार्टी का मसला देखो, पार्टी का क्या मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं कोई भी सुनने के लिए राजी है, बताएं हम कहां जाएं। हमें अपनी आवाज को हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है लोगों की तो एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन आपके हैं, वो भी हमारे हैं, लेकिन हमने उनको भी एक लेटर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने डीसी बोल रहे थे, उन्होंने बोला था कि डीसी मैम को हम बोलेंगे। सीएसआर का पैसा, मानने का पैसा, 3 सालों के जो मानने का, हमें ये बताएं कि ये पैसा कहाँ गया। देखो ये माइनिंग हो रही है, माइनिंग पर इन्होंने हैंड पंप लगाने थे, रोड बनाने थे, एक टैंक लगाना था पानी, ये जब भी गाड़ी आती है। पब्लिक हेयरिंग हुई थी उसमें ये बातचीत हुई, पूरी बातें हुई थी। बाबा मोड़ अरनास में इस समय मौजूद हैं और ये जो हैंडपंप आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से खराब है, और एक यही हैंडपंप नहीं, इसके साथ ही 2 और हैंडपंप है जो की अरनास में लगाए गए हैं, लेकिन वो पिछले कुछ महीनों से खराब पड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ अरनास के सरपंच संसार सिंह जी हैं और साथ में आसपास जो मार्केट है वो दुकानदार और कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब से ये हैंडपंप खराब पड़े हैं, 3 कुल हैंडपंप हैं जो खराब हैं। शुक्रिया। ये जो हमारे हैंडपंप, 3 हैंडपंप हमारे प्रॉपर अरनास में खराब है। एक तो ये बाबा मोड़ का जगह का नाम है, एक भीम देवता है और एक मार्केट में है, अरनास में मार्केट में है। तो मैंने ये अपने एक लेटर डीसी मैम को भी दिया था, अपने चेयरमैन साहब हैं शराब सिंह नाग जी हैं, उधर भी हमने लेटर दिया था। हमने बोला कि हमारे जो 3 हैंडपंप खराब हैं इनको रिपेयर कर किया जाए, अभी तक ये हैंडपंप रिपेयर नहीं हुए। आप हमारी अरनास की, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब भी बारिश होती है हमें पानी साफ नहीं मिलता, खाली मिट्टी वाला पानी आता है, ऊपर पहाड़ी पीछे रोड के काम लगे हैं, नाला है, नाले का पानी हमें आता है और उसमें मिट्टी, खाली मिट्टी आती है। प्रशासन नहीं सुन रहे, किसी ने नहीं अभी तक सुना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी ये लगातार कंटिन्यू बारिश हुई, हमें पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, नाले से पानी आ रहा है, कोई नेचुरल सोर्स नहीं है हमारे इधर प्रॉपर अरनास में, यही एक नाला सोर दरिया चनाब है, जब भी बारिश होती है तो गंदा पानी हमें मिलता है। अभी लिफ्ट स्कीम हमारी स्टार्ट हुई है, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लिफ्ट स्कीम हमें दी, और हमारा वो लिफ्ट स्कीम का काम शुरू है, लेकिन अभी भी हमें 3-4 महीने लगेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ, ये मेरी मार्केट है अरनास वाली, कम से कम इधर देखो 10-12 दुकान है, ये मोहल्ला है, इधर कोई कनेक्शन नहीं है पानी का। ये हैंडपंप है, इसी पर जो भी लोग आगे पीछे से आते हैं, कोई बैंक में आ रहा है, कोई तहसील में जा रहा है, कोई डीएसपी साहब के दफ्तर जाता है, थाने में जाता है। अब तो गर्मी भी बढ़ने लगी, अभी गर्मी बढ़े, मेन पॉइंट में अगर ये हैंडपंप खराब है, ये लोग जो बाहर से आएंगे वो कहाँ से पानी पिएंगे। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इन लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो फिर हमें ये लोग हमें क्या बोलेंगे। आपकी जो पार्टी है वही तो अच्छे दिनों के सपने लोगों को उन्होंने दिखाए थे, तो इन अच्छे दिनों में हैंडपंप तक रिपेयर नहीं हो रहा है। इसमें पार्टी का मसला देखो, पार्टी का क्या मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं कोई भी सुनने के लिए राजी है, बताएं हम कहां जाएं। हमें अपनी आवाज को हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है लोगों की तो एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन आपके हैं, वो भी हमारे हैं, लेकिन हमने उनको भी एक लेटर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने डीसी बोल रहे थे, उन्होंने बोला था कि डीसी मैम को हम बोलेंगे। सीएसआर का पैसा, मानने का पैसा, 3 सालों के जो मानने का, हमें ये बताएं कि ये पैसा कहाँ गया। देखो ये माइनिंग हो रही है, माइनिंग पर इन्होंने हैंड पंप लगाने थे, रोड बनाने थे, एक टैंक लगाना था पानी, ये जब भी गाड़ी आती है, पब्लिक हेयरिंग हुई थी उसमें ये बातचीत हुई, ये पूरी बातें हुई थी। ये जो गाड़ी इधर से जाती है, देखो कितनी मार्केट है, कितना इधर पोल्यूशन भर रहा है, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन जी हमारी बात सुन के राजी नहीं है। सरपंच का ये कहना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% जो प्रॉफिट का सामाजिक कार्य के लिए लगाया जाना है, उसके तहत इनको रिपेयर करवाया जाए। कुछ और लोगों से भी बातचीत करें, परेशानी हुआ थी ये पंप नहीं चला। नमस्कार सर, मेरा नाम मोर सिंह है, मैं मार्केट सोसाइटी का वाइस चेयरमैन हूँ। ये सब तो हमारे सामने पूरी मार्केट जो है उस सोसाइटी में आती है। जी हाँ, मेन बाजार की। जी तो सर बात ऐसी है कि ये हमारे सामने जो पंप हैंड पंप है, ये कम से कम 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो ये एक मेन पॉइंट है, बाबा मोड़ बोलते हैं इसको, मेन पॉइंट है, यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, पानी पीने की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है हाई कमांड की से कि इसकी रिपेयर करवाई जाए,
तो मैं यही कहूंगा पैसे खर्च करके पानी पीना पड़ रहा है लोगों को। अगर ये चलेगा तो यहाँ पे लोग तो सभी पब्लिक को कम से कम आसानी हो जाएगी। गाड़ियां भी यहाँ रुकती है, मेटाडोर गाड़ियां वगैरह, हर ये पब्लिक स्टैंड है। यहाँ पर बहुत पानी, इस पंप की तो बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये बनना चाहिए और इसकी रिपेयर होनी चाहिए। मुख्य सड़क पर है और यहाँ से ज्यादा बाहर। बिल्कुल जी, चलिए तो पंप को रिपेयर करने की मांग की जा रही है। 3 पुल जो पंप है वो खराब है इस समय अरनास में और बाबा मोड़ के पंप के पास इस समय खड़े हैं। जो सरपंच है संसार सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जल्द से जल्द इन पंप्स को रिपेयर किया जाए। जो CSR का पैसा है, जो माइनिंग का काम यहाँ पे चलता है, उसके तहत अगर पैसे लगाए जा सकते हैं तो वो लगाए जाए। और ये भी आरोप है कि प्रशासन को इस बारे में इस मार्फत बताया गया है लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है, पंप को रिपेयर नहीं किया गया है।